गाइस कैसे हो आप सब। और ये है अरवी का ढेर सारा पत्ता जो कि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट और छोटा छोटा पत्ता है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ इसकी ही रेसिपी। और इसके डंठल को हम इस तरीके से काट करके हटा लेंगे। अगर मोटा डंठल होगा तो हम इस तरीके से इसको भी काट कर हटा लेंगे। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस सब्जी के सामने तो मछली का टेस्ट भी बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। और देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से पूरे डंठल को हटा लिया है। और पूरे डंठल को हटाकर हम अच्छे से सारे पत्तों को धो लेंगे। पत्तों को मैंने अच्छे से कट करके और साफ कर लिया है अच्छे से, चार पांच पानी से धो करके। और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसकी रेसिपी। अभी के मौसम में ही ये अरवी का पत्ता गर्मी के मौसम में ही मिलता है, तो मैंने सोचा कि हमें जब ये ताज़ा ताज़ा अच्छा सा पत्ता मिल रहा है तो हमें आज इसकी रेसिपी बना ही लेनी चाहिए। और ये है बेसन, और अब मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को फुला लें और उसको सिलबट्टे पर या मिक्सर में पीस लें। तो हम ले लेंगे 3 भाग बेसन और 1 भाग चावल का आटा। और इसमें अब डालते हैं मसाले। मसाले में हल्दी, लाल मिर्ची और नमक। मैं इसमें डालूंगी लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल ही गाढ़ा बैटर। और सभी को ये मैंने थाली इसमें इसलिए लिया है ताकि हम बैटर को अच्छे से मिला सकें। इसे मैंने 1 चम्मच पानी ले लिया है और सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं। और हमारा अच्छा सा बेसन का बहुत ही स्मूथ पेस्ट हो गया है बनकर तैयार। और एक थाली लेकर और हमें पत्ते को उसमें अच्छे से बिछा लेना है। और बिछाने के बाद इस तरीके से हमें पूरे में बेसन को अच्छे से लगा लेना है। और ये सब्जी बनने में और अरबी के पत्तों के सब्जी की अपेक्षा बहुत ही कम मेहनत लगेगा। और हमें इस तरीके से पत्ते को मोड़ देना है और बेसन ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ के हम इस तरीके से इसलिए लगा देंगे ताकि ये खुले ना। ये सब्जी बहुत ही बढ़िया लगेगी। जिनको मछली पसंद है उन्हें भी और जिन्हें नहीं पसंद है उन्हें भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसी तरीके से हम अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे और इधर लगा देंगे साइड में थोड़ा अच्छे से बेसन ताकि ये खुले ना। और इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। सभी को अच्छे से बना करके रख लिया है और मेरा बेसन इधर हो गया है खत्म। तो मैं वापस से ले लूँगी प्लेट में थोड़ा सा बेसन और इसमें वही मसालों को जो डाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, लहसुन का पेस्ट, सभी को डालकर घोल बना लेंगे। अगर आपके पास जो घोल बनाए थे उसका बचा हुआ हो तो वही यूज करना है। और इसका हम बनाना है थोड़ा सा पतला सा घोल। पतला सा बेसन का घोल हो गया है तैयार। और इधर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई को डालकर उसमें सरसों तेल। एक एक पत्ते को जो लपेट के रखे हैं उसको ले लेंगे एक एक पीस और इस तरह से डिप करके। और
और हम इसको इधर से साइड से बंद कर देंगे अच्छे से दाब कर, ताकि ये फूले ना, और गैस का फ्लेम कम करके और हम कढ़ाई में इसको डाल देंगे। और ये सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसे हम धीरे धीरे से इस तरीके से पलट लेंगे। अगर आपको ठीक से ना बंधे तो आप टूथपिक से साइड में इसको अच्छे से भोंक कर और इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक से बेसन लगाएंगे, घोल अच्छा से बनाएंगे, तो देखिए टूथपिक लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इसी तरह से बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। हम इसे तल रहे हैं, तब तक हम तलने के साथ साथ ही मसाले की भी तैयारी कर लेंगे। और हमें मसाले में लेना है, हम छील लेंगे इतने ढेर सारे लहसुन को और पीला सरसों लेकर, और बना लेंगे इसके मसाले को, कर लेंगे मिक्सर में पीस करके तैयार। और मसाला भी हो गया है पीस करके तैयार। अगर आपके पास काली मिर्च यानी गोल मिर्च का पाउडर न हो तो आप 8 से 10 काली मिर्च मसाले में ही डाल देंगे और अच्छे से इसको पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। और तब तक इधर हमारा तल ही रहा है, तब तक इधर हमारा मसाला भी बनकर हो गया है तैयार। और इसको हम अच्छे से दोनों तरफ से पलट कर और सेकेंगे। हमारा सारा तल चुका है, कढ़ाई तो मेरा चढ़ा हुआ ही था। ये बचा हुआ तेल है, उसी में हम डाल देंगे पीला सरसों। अगर आपका तेल कम हो तो आप तेल डाल लीजिए। और इसमें सरसों अच्छे से चटक गया है तो हम डाल देंगे पूरे मसाले को। मसाले को डालने के बाद उसी मसाले वाले बर्तन में हम डाल देंगे थोड़ा पानी, और मसाले में डाल लेंगे पानी और मसाले को अच्छे से चला लेंगे और गैस का फ्लेम कर लेंगे कम। मसाले में हम जो भी बचे हुए मसाले हैं उन सभी को डाल लेंगे। और ये है काली मिर्च का पाउडर जो मैंने लिया है 1/2 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, नमक ध्यान से क्योंकि पकौड़े में पहले से नमक है। और उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, और तब लाल मिर्ची आप जितना तीखा खाते हो उसी के अनुसार डालिएगा। और मसाले को हम अब अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे और मसाले को तेल छोड़ने तक हम अच्छे से भूनेंगे। मसाला जितना अच्छा भुनेगा हमारा सब्जी उतना ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। कट चुके हैं और इधर मसाला भी हमारा अच्छे से भुन रहा है। और सरसों का मसाला तो बहुत ज़्यादा उड़ता है, इसलिए चूल्हा भी मेरा हो चुका है बहुत ही गंदा। फटाफट से सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद चूल्हे को साफ करूंगी। ये हमारा पूरा मसाला एक जगह हो चुका है और अब बस थोड़ी ही देर में हमारा मसाला हो जाएगा। मसाला लाल भी हो चुका है, बस थोड़ी देर और। मसाले को चलाएंगे तो इस तरह से मसाला अपने आप पूरा एक जगह होने लगे चलाने के बाद, तो आप समझ जाइए कि मसाला अच्छे से भुन गया है। देखिए किस तरह से मसाला पूरा गोल होकर एक जगह हो जा रहा है। हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसमें हम डाल लेंगे पानी। डालकर और अच्छे से हम सब्जी मसाले को चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला। पागल बोल दिया भाई को, खाए तो खाए
पानी डालकर अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है और बस हमें उबलने का इंतज़ार नहीं करना है, बस हल्का गर्म हो जाए और ये तुरंत ही गर्म हो जाता है और इसमें हम सारे पकौड़ों को डाल देंगे और बस ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि मसाला भी पका हुआ है और ये भी पका हुआ है। तो बस 5 मिनट के अंदर ही हमारी सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। ये सब्जी को आप चावल के साथ खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप मछली और चावल ही खा रहे हैं। और एक स्पेशल चीज़ इसमें हम डालेंगे जिससे सब्जी का स्वाद हो जाएगा दुगना, और ये है आम का अचार जिसको हम डाल देंगे इस सब्जी में। अगर आपके पास आम का अचार ना हो तो आमचूर पाउडर, और नहीं अगर आमचूर पाउडर भी नहीं हो तो सब्जी बनने के बाद आप इसमें नींबू डालकर और तब सब्जी को खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और अब सब्जी में हम आने देते हैं उबाल। सब्जी में आ गया है बहुत ही अच्छे से उबाल। इसमें एक बार सब्जी को इस तरह से पलट लेंगे और इस तरीके से कर देंगे ताकि ऊपर का नीचे हो जाए और नीचे का ऊपर हो जाए। और देखिए सब्जी का कलर आया है कितना खूबसूरत। गैस का फ्लेम मैंने रखा है कम ताकि सब्जी में आ जाए अच्छा सा कलर। अब हो चुका है हमारा टेस्टी सब्जी बन करके तैयार, बिल्कुल ही देसी तरीके से जैसे हम लोग खाते हैं बिहार में। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।